सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन अदर वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले फ्री फायर में आने वाले कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट्स एंड अपडेट्स के बारे में। उसमें हम बात करने वाले लकी व्हील इवेंट के बारे में, उसके साथ साथ बात करने वाले आने वाले 1887 स्किन के बारे में, जिसमें आपको क्या एट्रीब्यूट देखने के लिए मिलेगा एंड गाइस ये आपको किस इवेंट में देखने के लिए मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। एंड गाइस बात करने वाले हैं आने वाले एवोल्यूशन M10 के बारे में। एंड गाइस ये भी आपको किस इवेंट में अवेलेबल करने वाले हैं गरेना, एंड गाइस इसके लिए आपको कितना डायमंड चाहिए होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो अंत तक जरूर देखना। एंड गाइस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्री फायर के रिलेटेड ऐसे आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिलते रहेंगे। एंड गाइस इस वीडियो में मैंने रखा है टोटल 3 गिव अवे, 2 गिव अवे आपको रिडीम कोड मिलने वाला है वीडियो के अंदर। एंड गाइस और एक रिडीम कोड जैसे हमारा लाइक टारगेट खत्म होगा, मतलब कंप्लीट होगा, तुरंत मैं दे दूंगा। एंड गाइस इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपना UID कमेंट करना है एंड गाइस बताना कि आपको रिडीम कोड क्यों चाहिए। सो गाइस बहुत सिंपल है, 2 रिडीम कोड आपको वीडियो के अंदर मिलेगा, एक हमारा लाइक गेम कंप्लीट होने पे मैं दे दूंगा। सो गाइस लाइक कर देना, इस वीडियो का लाइक भी मैं रखा है, 500 का कंप्लीट करवा देना, नॉर्मल सा ही रखा है। एंड गाइस कमेंट कर देना अपना UID एंड गाइस शेयर भी कर देना। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस पहले हम बात करने वाले एलीट पास डिस्काउंट के बारे में। तो गाइस इस बार आपको यकीन नहीं हो सकता, सारे के सारे सर्वर में एलीट पास के ऊपर डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है, सिर्फ इंडियन सर्वर में, हमारे सर्वर में आपको एलीट पास नहीं दिया डिस्काउंट में गरेना ने। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो, आज एक इवेंट आया हमारे लैटिन अमेरिका सर्वर में, जिसमें आपको लकी व्हील देखने के लिए मिल रहा है। गाइस ये इवेंट सिर्फ 4 दिनों के लिए दिया, जैसे आप देख सकते हो आज 26 है, तो गाइस 30 तक मतलब इस इवेंट को अवेलेबल किया जा चुका है। जैसे आप देख ही सकते हो इसमें आपको एलीट पास मिल रहा है, किंग वाला बंडल मिल रहा है, गाइस और आपको काफी ठीक ठाक रिवॉर्ड भी मिल रहा है। सो गाइस जैसे आप देख सकते हो हमारे सर्वर के साथ ही सिर्फ गरेना कैसा कर रहा है, बिल्कुल भी गलत है कि सारे के सर्वर में गरेना मतलब एलीट पास के ऊपर डिस्काउंट दे रहा है कोई ना कोई इवेंट में, जैसे लकी व्हील हो गया, मिस्ट्री शॉप हो गया एंड गाइस एक दो सर्वर में डायरेक्टली मतलब स्टोर के सेक्शन में डिस्काउंट दे दिया। तो गाइस सारे के सारे सर्वर में गरेना एलीट पास दे रहा है, पता नहीं हमारे सर्वर के साथ उनको क्या दुश्मनी है, हमारे सर्वर में वो डिस्काउंट नहीं दे रहे। जैसे आप देख सकते हो इधर मुझे 80% का डिस्काउंट भी मिल चुका है। तो गाइस जो भाई लोग मेरे जैसे वेट करते हैं एलीट पास के लिए, अभी तक हमें एलीट पास डिस्काउंट देखने के लिए नहीं मिला, अगर आज भी आ जाता काफ़ी आप ठीक बोल सकते थे, क्योंकि 4 दिन में आप थोड़ा बहुत मतलब बैचेस कंप्लीट करके टारगेट कंप्लीट कर सकते थे, पर अभी तक हमें भी एलीट पास के ऊपर डिस्काउंट देखने के लिए नहीं मिला एंड गाइस शायद देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो गाइस इसके लिए हमें स्टेप लेना ही पड़ेगा, अगर ऐसा होता रहा तो गाइस सिर्फ हमारे इंडियन सर्वर में आपको एलीट पास देखने के लिए नहीं मिलेगा एंड गाइस आप लोग भूल भी जाओगे कि एलीट पास के ऊपर डिस्काउंट भी मिलता था। तो गाइस ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए, तो जाके बता दो यार इंस्टाग्राम पे फ्री फायर का मतलब जितने भी ऑफिशियल अकाउंट है, जाके उनको बता दो यार हमें भी एलीट पास का डिस्काउंट दे दो। एंड जो बड़े बड़े यूट्यूबर है उनको सजेस्ट करना चाहिए गरेना को कि इंडियन सर्वर में भी एलीट पास के ऊपर डिस्काउंट देना चाहिए। अगर आप बाकी का मतलब इवेंट दे रहे हो या उसको पोस्टपोन कर रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एलीट पास के ऊपर डिस्काउंट चाहिए। तो गाइस पहले हम सबको स्टेप लेना पड़ेगा, जितने भाई लोग रेगुलर टॉपअप करते हो तो गाइस कुछ दिन के लिए मत करना, ना वीकली मेंबरशिप लेना, कुछ मत करना। एंड जैसे आप सभी को बता, अभी KO नाइट का मतलब मेल वाला बंडल आया था ये जो स्पेशल लक रॉयल में, मैंने उसके लिए एक भी स्पिन नहीं किया, तो गाइस आप लोग भी स्पिन मत करना एंड गाइस इस बंडल को मत निकालना। कुछ दिन के लिए अगर आप टॉपअप नहीं करोगे, अगर टॉपअप का रेशो कम हो जाएगा तो गाइस गरेना को खुद को पता चल जाएगा एंड गाइस गरेना हमारे सर्वर में अच्छा अच्छा इवेंट भी लेके आएगा। तो गाइस इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे आने वाले समर इवेंट के बारे में, जिसमें आपको 2 नए बंडल देखने के लिए मिलने वाले हैं, मेल फीमेल बंडल एंड गाइस इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले भी बता दिया था। एंड गाइस जैसे आप देख सकते हो सर्वर में इन्होंने एक लक रॉयल में अवेलेबल कर दिया गया, जैसे आप देख सकते हो दोनों बंडल को, या तो आपको डायरेक्टली 2 बंडल मिलने वाला है एंड गाइस इसके लिए आपको टोकन कलेक्ट करना पड़ सकता है। एंड गाइस एक अच्छी बात यह कि जैसे आप देख सकते हो इसमें आपको ब्रेक डांसर बंडल भी देखने के लिए मिल रहा है, जो हमारे सर्वर में शायद ही कभी अवेलेबल किया जाएगा। सो जैसे आप देख सकते हो मेल फीमेल बंडल आपको इस टाइप का देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें आपको टैटू में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, वैसे पुराना ही बंडल है। एंड गाइस जैसे आप देख सकते हो एक स्पिन का लगभग 60 डायमंड रखा है, एंड गाइस 11 स्पिन के लिए आपको 600 डायमंड पे करना होगा। एंड गाइस जैसे आप देख सकते हो अगर आपको डायरेक्टली बंडल नहीं मिलता, आपको क्या करना है, टोकन कलेक्ट करना है। जैसे आप देख सकते हो जैसे आप 40 टोकन कलेक्ट करोगे आप ये वाला बंडल ले सकते हो। उसके साथ जैसे आप देख सकते हो आपको हार्ट वाला इमोट भी मिल रहा है, बैकपैक का स्किन, सपोर्ट का स्किन, ये सारे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। सो गाइस हमारे सर्वर में भी ये सारे रिवॉर्ड आपको अवेलेबल किया जाएगा, पर थोड़ा बहुत इवेंट में चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस आपको मेल फीमेल बंडल कैसा लगा, क्या आप मेल बंडल के लिए अपना डायमंड वेस्ट करोगे, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। गाइस फीमेल बंडल आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है।
सो गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे आने वाले नेक्स्ट वेब इवेंट के बारे में, जिसमें आपको पॉसिबली अवेलेबल किया जा सकता है नया इवो M10 का स्किन, जैसे आप देख सकते हो। उसके साथ साथ इसमें आपको नया मतलब बैकपैक का स्किन भी देखने के लिए मिलने वाला, जो गाइस हमारे इवो M10 थीम के ऊपर ही देखने के लिए मिलेगा जैसे आप देख सकते हो। एंड गाइस बैकपैक आपको मतलब काफ़ी बड़ा देखने के लिए मिलने वाला जैसे आप देख ही सकते हो। उसी के साथ साथ इधर आपको एक नया लूट बॉक्स का स्क्रीन भी देखने के लिए मिलने वाला, इस तरह जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड गाइस काफ़ी ठीक ठाक आप बोल सकते हो। सो गाइस ये सारे रिवार्ड आपको एक इवेंट में देखने के लिए मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। एंड गाइस ये आपको अवेलेबल किया जाएगा नेक्स्ट फेडेड विल में, क्योंकि जितने भी हमारे ईवो स्किन आए वो सारे आपको देखने के लिए मिले हैं हमारे फेडेड विल में। तो गाइस ये भी आपको फेडेड विल में देखने के लिए मिलने वाला है। एंड गाइस जैसे आप सबको पता है इसका एट्रीब्यूट्स के बारे में, जिसमें आपको सिंगल डैमेज, डबल रेट ऑफ फायर, मूवमेंट स्पीड माइनस देखने के लिए मिलने वाला है। तो जैसे इसको आप लेवल अप करोगे लेवल 4 तक, तो इसके बाद आपको इसमें इसके एट्रीब्यूट्स में चेंजेस भी देखने के लिए मिलने वाला है। सो गाइज अगर आप इसके निकालने वाले हो या अगर आप शॉटगन यूजर हो, तो गाइज इसके लिए आपका काफ़ी सारा डायमंड वेस्ट होने वाला है। एंड गाइज इसको निकालने के लिए लगभग आपको 1000 डायमंड की जरूरत पड़ेगी। एंड गाइज इसको अगर आप लेवल 4 तक ही अपग्रेड करोगे, उसके लिए आपको लगभग कम से कम 2000 डायमंड की जरूरत पड़ेगा। सो गाइज आपको क्या करना है, अभी से डायमंड मतलब इकट्ठा करना स्टार्ट कर देना है। अगर आप इवेंट आने के बाद इकट्ठा करोगे तो गाइज हो नहीं पाएगा। तो गाइज अगर आपके पास डायमंड ऐसे आलतू फालतू इवेंट में वेस्ट मत करना बिल्कुल भी, इस इवेंट के लिए बचा के रखना। एंड गाइस अगर आप शॉटगन यूज़र हो तो गाइस आप इसको निकालने के लिए ट्राई भी करोगे, तो गाइस अपना डायमंड बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। एंड गाइस आप ऐसे कौन कौन भाई लोग इसको निकालने वाले हो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे आने वाले लेजेंडरी 1887 स्किन के बारे में, जो गाइस आपको इस तरीके के देखने के लिए मिलने वाला है। एंड गाइस जिसको आपको प्रोबेबली रोल द डाइस इवेंट में अवेलेबल किया जाएगा। एंड गाइस जैसे आप देख सकते हो स्किन आपको इस टाइप का देखने के लिए मिलने वाला है। एंड गाइस अगर हम बात करेंगे इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, जिसमें आपको सिंगल डैमेज, डबल रीलोड स्पीड प्लस देखने के लिए मिलने वाला है। एंड गाइस मूवमेंट स्पीड इधर भी आपको माइनस देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप 1887 यूजर हो तो गाइस इसके लिए भी अगर आप मतलब निकाल स्किन को अपना डायमंड बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, बहुत जल्दी आपको हमारे सर्वर में अवेलेबल किया जाएगा। एंड जैसे आप सभी को पता है जैसे डायमंड खाने वाले इवेंट है हमारे सर्वर में आते रहते हैं। सो गाइज अगर आप इस स्किन को निकालना चाहते हो थोड़े दिन का वेट कर लेना, उसके बाद आप इस स्किन को निकाल भी सकते हो। सो गाइज इसका जो एनिमेशन है गाइज काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छा होने भी वाला है। तो गाइज अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो गाइज अभी ये जो आने वाले फालतू इवेंट में अपना डायमंड बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ। जैसे अगर आपको नीड है या आपको लगता है कि इस इवेंट में डायमंड लगाना चाहिए, तब भी अपना डायमंड मतलब इन्वेस्ट करना, अदरवाइज अपना डायमंड बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। सो गाइज आपको स्किन कैसा लगा, क्या आप इसके लिए जाओगे कि नहीं जाओगे, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड गाइज अगर आपको जो वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो अभी तक देख रहे हो, तो गाइज भाई लोग क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब भी कर देना। एंड गाइज लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, उससे मुझे थोड़ा सा हेल्प भी हो जाता है। सो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। अपना डायमंड बिल्कुल भी वेस्ट मत कर रहे हैं यार, मतलब फालतू इवेंट में वेट कर लेना अच्छे इवेंट के लिए, उसके बाद आप मतलब डायमंड वगैरह इन्वेस्ट कर सकते हो।